शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे शेर जी वजन तो रखिए, आप क्यों बैठे हैं? अरे ससुरी के सोना तुलवा रहा है क्या है? और वैसे भी मैं 32 किलो का हूँ तो बांट की क्या जरूरत है? आप 32 किलो, कम से कम 72 किलो के होंगे, 72 किलो के। इस महंगाई के जमाने में डेढ़ रोटी खाकर आजकल 72 किलो का कौन है? शेर जी आप बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी। अरे रद्दी के, हजारी प्रसाद से धंधा करना है तो हजारी प्रसाद के तरीके से ही करना होगा, समझे? अरे सेठ जी आप यहाँ कहाँ लटक रहे हो? देखो आपके द्वार पर साक्षात लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी? हाँ लक्ष्मी। अरे ये है सेठ गिरधारी लाल जी, जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। गिरधारी लाल जी, गिरधारी लाल जी, गिरधारी लाल जी, आइए आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। बोलिए मेरे लिए क्या हुक्म है? अरे सेठ जी आपके लड़के को कॉलेज की स्टेज पर देखा था इन्होंने, लड़का इन्हें पसंद है। कोई परेशानी नहीं। अरे मुरारी जरा दो चाय लाना। ना ना ना, समझ गया मालिक। जी मुझे आपकी बेटी पसंद है। अच्छा ये बताइए कि आपकी उम्मीद कहाँ तक है, कुछ अंदाजा बताएंगे? अंदाजा? गिरधारी लाल जी पूरी लिस्ट तैयार है, देखिए बहुत छोटी सी है, देखिए। प्रदारी प्रसाद जी, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, आपकी मांगे उसमें से कुछ कम नहीं हो सकती क्या? कम करवानी है तो अगली दुकान पे चले जाइए अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। जी देखिए मैं तो दूसरी दुकान पे चला जाऊंगा, लेकिन आपको साफ बता देता हूँ, कारोबार तो आप रद्दी का करते हैं, यानी कबाड़ी का। आपकी मांगों को देख के ऐसा लगता है कि आपको अपने लड़के की शादी किसी राजा भोज की लड़की से करनी पड़ेगी। दुनिया देखेगी, आप भी देखेंगे गिरधारी लाल जी, कि ये गंगू तेली एक दिन अपने बेटे की शादी किसी राजा भोज की लड़की से करके रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी बैड। अरे ये तो है चेक, कैच, कैच, कैच। चलो पकड़ लिया, अब मेरा फिर से प्रमोशन हो जाएगा। और मेरा डबल प्रमोशन हो जाएगा। वो कैसे? अरे तूने तो असिस्टेंट को पकड़ा है, मैंने बॉस को पकड़ा है। बॉस को? चलो हटो, इसे मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं क्यों दूं, मैंने पकड़ा है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ जौनपुर का भैया, और कौन? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, सीनियर इंस्पेक्टर। मुझे धोखा देकर बॉस बनाया है। धोखा? हाँ अरे इसने मुझे धोखा दिया और प्रमोशन ले लिया, पता है? एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को धोखा दे, ये बात तो अपने समझ के बाहर है बाप। सुना? दे तो तक और दूध का पैतला अभी हो जाएगा। पहले तुम्हें ताम तोलो, राजा को तोल दो, तोल दो। राजा को छोड़ दो। अब बताओ असली बात क्या है? पैतला राजा बाबू करेंगे, पैतला, पैतला, पैतला राजा बाबू करेंगे। अच्छा ठीक बोला। देखो हुआ ये कि एक बार एक खतरनाक मुजरिम चाल शोभराज को 5 किलोमीटर पैदल चल के मैंने पकड़ा, पीछे से ये आ गया, कहने लगा चल चल के तू थक गया होगा, ये ले थम्स अप पी ले, तब तक मैं इसे पकड़ता हूँ। इतने में कमिश्नर साहब आ गए, उन्होंने पूछा कि इसे किसने पकड़ा था, इसने झूठ मूठ कह दिया इसने पकड़ा है। तो क्या मैंने गलत कहा था? उस वक्त मैंने तो उसे पकड़ा था, कमिश्नर ने कहा तो मैंने हाँ कर दी। अरे लेकिन पकड़ा तो मैंने था ना। अरे हवाले तो मैंने किया था यार। अरे तू तो एक नंबर का धोखेबाज है यार। तुम मुझसे जबान मत लड़ाओ, मैं कमिश्नर से शिकायत करूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मेरी नौकरी को जब जाना है तब जाएगी, लेकिन तेरी नौकरी तो गई। कैसे? वो देख तेरी ड्यूटी जीप के साथ तेरी नौकरी भी जा रही है। जल्दी से पकड़ लो प्लीज। नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है, कैच देम। कैच नहीं, चेस, चेस। चलो इधर इसको बता ले क्या वो। ए तू कहाँ जा रहा है? बैटरी डाउन है, धक्का मार रहे। अरे अरे वो गई, अरे वो गई, अरे बाद में मिलना भाभी। वो देख मेरी वफादार जीप को कैसे मुझे अकेले ढूंढती हुई आ रही है। आ जा, ये जीप को रोको। वो तुझे ढूंढती हुई नहीं आ रही है, लुढ़कती हुई आ रही है। जल्दी समझ। अरे अंदर जा। अरे गिर। वो दोनों चोर कहाँ जो मेरी जीप लेकर भागे थे? वो दोनों चोर थे? नहीं नहीं, कार थे, कहाँ है वो? वो तो मेरा भी बैग चुरा कर ले गए। चुरा? अच्छा कितना माल था बैग यार थी? कितना माल था बैग में? बता सकता है? अरे मैं सारी उम्र इतना नहीं चला जितना आपने मुझे एक दिन में चला दिया, अब और कितना चलना है सेठ जी? बस पंडित जी बस, दो कदम और। अरे मैं एक कदम भी और चला तो मेरा दम निकल जाएगा। अरे क्यों इस गरीब ब्राह्मण की जान लेने पर तुले हैं, बस में नहीं चल सकते थे क्या? बस बस की क्या जरूरत है पंडित जी, बस आई क्या, 10 किलोमीटर तो चल चुके हैं, अब 3 किलोमीटर और रह गया। मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्या करते हो, उठो उठो उठो, चलो हटो। होटल के माल की गाड़ी आ रही है। गुड मॉर्निंग सर।
हाँ तो वर्मा तुम कह रहे थे सर हमारी दिल्ली वाली होटल से हमें 50 लाख रुपए का फायदा हुआ 50 लाख मेरा वक्त जाया मत करो वर्मा 50 लाख इज नथिंग इट्स पीनट यू नो व्हाट पीनट मूंगफली सर 50 लाख मूंगफली सर हमारे लंदन वाले होटल ला मरीना से हमें 2 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है सिर्फ 2 करोड़ हमें तो 4 करोड़ की उम्मीद थी ये कोई प्रॉफिट थोड़ी हुआ ये तो लॉस हुआ सॉरी सर सर आज आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग किसके साथ मेरा ग्रुप ऑफ होटल्स दुबई के प्रपोजल के बारे में आज तो इम्पॉसिबल है आज मेरी बेटी मधु की 17वीं सालगिरह है सर प्लीज कुछ भी कीजिए वरना लाखों का नुकसान हो जाएगा मेरी बेटी की सालगिरह सिर्फ एक दफा आती है मैं लाखों गंवा सकता हूँ मगर उसका दिल नहीं तोड़ सकता करोड़पति इकलौती बेटी करोड़पति इकलौती बेटी अरे कहाँ खो गए जजमान वहाँ आपके होने वाले समझी जी आपका इंतजार कर रहे होंगे चलिए समझी तो मुझे मिल गया पंडित जी सुना था भगवान चप्पर फाड़ के देता है लेकिन मुझको तो आसमान फाड़ के दे दिया आपका मतलब है ये शेख अरे सेठ जी इसके तो रसोइये की बेटी तक आपके बेटे से शादी ना करे अरे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा नहीं तो पागल समझकर आपको पागल खाने भिजवा देगा अरे ये शादी का ख्याल छोड़िए और चलिए वासंती जी आपका इंतजार कर रहे हैं अरे आज पंडित तू इस हजारी प्रसाद को नहीं जानता जिस राजा भोज की मुझे तलाश थी वो मुझे आज मिल गया अब इस गंगू तेली को चाहे कुछ भी करना पड़े इसके बेटे की शादी राजा भोज की बेटी से होकर रहेगी कितने ड्रेसेस थी 6 मालको और एक्टर कितने वो भी 6 मालको अरे अंकल के कच्चू बच गया मुरारी मालको मोच आ जाएगी ना बच गया अरे निकालो तब घुट रहा है निकालो संभल के मालको संभल के मालको हमारे मालिक दीनानाथ सब कुछ वाला मुंशी जी अगर ऐसी मेरे गले में चीजें फंसती रही तो एक दिन तो मर जाऊंगा इतनी जल्दी मालको ये कौन है ये है प्रकाश शूटिंग के कपड़े लेने आया प्रकाश जी कितनी ड्रेसेस चाहिए 6 और एक्टर कितने 6 पागल हो गए हो यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई प्रोडक्शन वाला फिल्म के भाड़े के कपड़े लेने आता है किसके पास आता है तीन अनाथ सब कुछ वाला के पास क्योंकि हम उसे जरूर से ज्यादा ड्रेसेस देते हैं और बदले में उनके प्रोडक्शन वाले को हम क्या देते हैं कमीशन और अगर इसी तरह आप ईमानदारी की बातें करते रहे तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और इसकी एक ही सजा आपको जरूर मिलेगी मुंशी जी इसके ट्रंक में 6 ड्रेसेस और डाल दो मालको पर मुझे इतने ड्रेस की जरूरत नहीं है सर जरूरत नहीं है तो जरूरत पैदा करो जब इतने बच्चे पैदा किए तो उनको खुश भी तो रखना पड़ेगा और घबराओ नहीं इस एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको कमीशन दूंगा ठीक है सर अब निकालो मेरा एडवांस मेरा कमीशन अच्छा कमीशन हाँ कमीशन मुंशी जी मालको गुजरा देना क्या मालको वही जो अटक गया था हेलो मालको मुकुट जाए पर सर ना जाए ये क्या मुकुट मुकुट तुम्हारा कमीशन मगर मैं इसके क्या करूंगा वही जो 2 साल तक टीवी सीरियल वालों ने किया था क्या मतलब मतलब ये कि बच्चों को दे देना खुश हो जाएंगे मुझे ये नहीं मुझे पैसे चाहिए राम 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 अरे ऊपर वाले से डर हनुमान जी से डर टीवी सीरियल वाले हनुमान जी से डर जिसको घर ले जा इसकी पूजा करना तेरे दिन बदल जाएंगे पानी मैंने पी लिया है मेरे लिए सर अच्छा अय्याशी हो रही है होटल में बैठे हो पानी मुफ्त में आता है क्या उल्लू के बच्चे तुझे कितनी बार खाए कि मुझसे पूछ कर पानी दिया कर जा साहब का सामान ले जा और बाहर गाड़ी में रख दे और सुनो कपड़ों का फटना तो दूर अगर एक भी कपड़े का बटन टूटा हो तो पैसे दुगने लगेंगे मगर नहीं दरवाजा उधर चलो मुंशी जी मालको ये मुकुट के पैसे भी इनके हिसाब में लगा देना जी मालको ये क्या है मालको ये बिक गए इसकी यमदत खान वाली है गब्बर सिंह वाली तो ये बिक देना सारा क्या मुझे आपने मुकुट दे दिया कैसा लग रहा हो मालको लेकिन आज धंधे की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई मालको अरे जी मुंशी जी मेरा तो एक असूल है हाँ मालको कि अगर आप लक्ष्मी की कदर करो तो लक्ष्मी आप पर भी मेहरबान हो जाती है मुरारी मालिक ये घर में 4 जगह लाइटिंग क्यों जल रही है भूल गया था मालिक भूल गया था अगर मैं तुझे पकार देना भूल जाऊं तो ओहो अजी लाइट क्यों बुझा दी आपको तो पता था कि मैं नहा रही थी अरे नहाने का लाइट से क्या लेना देना अंधेरे में क्या किसी और पे पानी फेंक दोगी लोटा लिया पानी में डाला पानी निकाला और अपने ऊपर उंडेला और हो गया नहाना और फिर नहाते हुए अपने आप को देखने में शर्म नहीं आती क्या हे भगवान अंधेरे में कोई कैसे नहा सकता है क्यों जब दुनिया में लाइट नहीं थी तो लोग नहाते नहीं थे क्या और तुम्हें तो नहाने की बीमारी है अरे काली तो नहाई थी
देखो जी ये फालतू लोगों के चोंचले हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं करने को तो चलो नहा लेते हैं। अरे मुझे देखो फुर्सत जब मिलती है तब नहाता हूँ, इससे क्या है कि पानी साबुन भी बचता है और सेहत भी बनी रहती है। हे भगवान, दुनिया के जितने कंजूस मरे हैं लगता है उन सब की आत्मा इनमें घुस गई है। और जब मुगल खानदान की सारी बेग में मर गई तब तू पैदा हुई थी, वो तो उस जमाने में बिना लाइट के नहा लेती थी लेकिन तू नहीं नहा सकती। और तेरा वो कमबख्त बेटा, उसे तो पानी और साबुन से मोहब्बत है, दिन में 3-3 बार नहाता है। देखो जी मेरे बेटे के बारे में कुछ मत कहना, मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरा लाल। लाल मार मार के लाल नीला पीला कर दूंगा, लोग कहेंगे कि चलता फिरता इंद्रधनुष जा रहा था। मालिक विकास बेटा तो हीरा है, हीरा हीरा है। तो मुंशी जी ऐसा करते हैं इस बार आप पगार की जगह उस हीरे को घर ले जाइए। अरे मालिक अभी बच्चा है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगा। एक बात याद रखिए, एक दिन आपका वो नाम रोशन करेगा। करेगा हाँ? कर रहा है जी, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में बैठा हुआ, अभी कल फिर रिजल्ट आएगा, आप देखना इस बार भी फिर फेल हो जाएगा, लेकिन इस बार ऐसी मरम्मत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखूंगा। आज पहली बार एक पुलिस को देखकर पुलिस को भागते हुए देखा। पुलिस नहीं चोर है, चोर लेट अस ग्रेस देम, ग्रेस देम नहीं चेस देम। ओके प्लीज चलो अरे पकड़ो उनको। आज फिर हाथ से निकल गया यार। तूने मेरी बात मानी होती आज ऐसा नहीं होता पता है। अरे तेरी बात मानी होती पहले तो मुझे तभी से बात किया कर। अगर आज तूने मेरा थोड़ा सा भी ऑपरेशन किया होता, अरे कॉपरेशन किया होता तो मेरा प्रमोशन हो गया होता ना। प्रमोशन मुंह देखा इन्हें में। मैं मारू हाथ तो लगा मच्छर। लाला बाबू तुम कहाँ हो? मेरा लाला बाबू तो हो गया, मेरा लाला बाबू तो हो गया। ये पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन है। नहीं नहीं ये रेलवे स्टेशन है। हाँ ये राजधानी एक्सप्रेस है और मैं कालका मेल हूँ, आओ चढ़ जाओ। मैं कल नहीं आया हूँ, मेरा लाला बाबू तो हो गए, मेरा लाला बाबू तो हो गए। अरे राजा बाबू सो गए तो हम क्या करें भाई? तो हो गया, तो हो गया। अच्छा खो गए। ये रंगीला है राजा का चमचा। तू रंगीला है? नंदू सबका बंदू। हाँ ये नंदू है, करके दिखाओ कैसे। मेरा दिल हाथों लो। राजा बाबू का नंदू। हाँ मैंने 8 बार देखी है, नंदू ही है। राजा बाबू तो गए। अरे रो मत रो मत, मैं तेरी रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ, तू बैठ जा बच्चे, बैठ जा बैठ जा। क्या राजा बाबू? ठीक है विद्यार्थी, तू यहाँ बैठकर इसे कंपनी दे, मैं उसे ढूंढ लूँगा। तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। तुम उन्हें पकड़ के मेरा प्रमोशन छीनना चाहते हो? नो नो नॉट हैपनिंग, यू आर नॉट गोइंग, आई एम गोइंग। अरे बक नो। अच्छा ठीक है तू जा। आज अचानक मुझ पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? जरूर कोई गड़बड़ है, मगर मैं भी तेरा बाबू हूँ। पकड़ लिया, दोनों को पकड़ लिया। अब मेरा प्रमोशन। हाँ इन्हें छोड़ दो, ये दोनों मेरे हैं, हाथ में बंदूक है, तुम्हारी पीठ है, 6 गोलियां इसमें। मेरे हाथ में भी बंदूक है। कौन है? पुलिस कमिश्नर। गुड नाइट सर। क्या कमिश्नर ब्रो? गुड डे। नंदू सबका बंदू। अरे इन्हें पकड़ो। मैं क्यों पकड़ू? तू पकड़ जाके पकड़ो। मैं नहीं पकड़ता। तुम्हारे हाथ के हाथ जोड़ लो। तू पकड़ पकड़ लो प्लीज। I have taken the appointment sir. तो वो Bennett and Miranda company की quotations invite कर लें। इतने छोटे की क्या बात है? इनसे कहें तो सर हजारी मिल्स को लाखों का फायदा हुआ है। सर हजारी केमिकल्स का आज उद्घाटन है। सर हजारी शिपिंग कॉर्पोरेशन की आज मीटिंग है। सर कोई बहुत बड़ी हस्ती मालूम होती है। जरूर कोई खानदानी रईस होगा हमारी तरह। कुत्ते वाले तेरा कितना हुआ? सर जी 500 रुपए। 500 रुपए? दिमाग खराब हो गया क्या यार? कुत्तों के 500 रुपए? अरे 500 रुपए में तो 50 आदमी कुत्ते बनने को तैयार हो जाए। सेठ जी कुत्तों के दिन बदल गए हैं, आदमी के नहीं बदले। ये लो सेठ जी। अरे कुत्ते भी तो छोटे छोटे थे भाई, बात कहीं का। लो सेठ जी। तू क्या बना था? सेक्रेटरी। कौन सा ट्री? सेठ जी जल्दी कीजिए मुझे शूटिंग पे जाना, बच्चन साहब मेरा वेट कर रहे हैं। अरे तो तेरा कितना रुपया हुआ? 400 रुपए। अरे रुक गया मेरा दिल रुक गया, 400 रुपया तो अच्छा है कि कुत्ते पालो या एक्टर बन जाओ। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। अरे, किसी नाटक कंपनी में भर्ती हो गए हो क्या? ये कुत्ते वाला, ये नौटंकी वाले, ये सब क्या है? अरे ये बिजनेस है। बिजनेस? अरे ये बिजनेस तुम नहीं समझोगी, ये वो बिजनेस है जिसमें हजारों जाते हैं तो करोड़ों आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं।
और कितना काम कराओगी जीजा जी, तू आज जाम हो गई, अरे जान ले लूंगी क्या। मुझे यहाँ क्यों लाए, मैं अच्छी वाली शहर में थी। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मेरे बाप की याद आ रही है। खाना तैयार है, सब भुक्कड़ आ जाओ। खाना, अरे खाना लग गया जी, खाना लग गया। ताले ताले पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये क्या किया बहू, हमारा खाना? ये खाना तुम्हारा नहीं है पांडू। अजी नहीं, तुम्हारा खाना ये है। दिन भर कुत्ते की तरह काम करके, ये रोटी, ये मीट, ये प्याज, नहीं हमें नहीं खाना ये खाना। ठीक है, मत खाओ, बाहर में जाओ। मैं ये खाना टॉमी को खिलाती हूँ। टॉमी, यू खाओ खाओ। आपसे तो ज्यादा ये कुत्ता खुश किस्मत है, आपको तो रोटी अभी सीधा कल दोपहर को मिलेगी। कल दोपहर को, यानी कि 24 घंटे के बाद। ऐसा करते हैं कुत्ते से छीन लेते हैं। अरे कुत्ते, प्यादा भी गया, वजीर भी गया, अब बस सिर्फ रानी बची है। रानी हाथ में आ जाए बस तो शेर मार। ये मेरे मामा जी, मामा जी देखिए ना माँ को क्या हो गया। अबे चुप, आवाज बंद, वक्त बहुत कम है, इलाज शुरू कर देना चाहिए। ये पकड़ो इसको, आप ये फोटो ले जाकर पंडित जी को दिया जी। सेठ जी, इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। अच्छा, कहां देखा है? कहां, हाँ याद आया सेठ जी, कल ही ये लड़की एक सड़क छाप मवाली के साथ खुलेआम गाना गा रही थी। क्या? हाँ, और नाच भी रही थी। पर सेठ जी, क्या नाचती है। बकवास बंद कर, मेरी बेटी के बारे में ऐसी उठपटांग बातें करते तुझे शर्म नहीं आती चुरकुट? बेटी? ये तो अपनी पूजा बिटिया है, लेकिन सर जी जो मैंने कहा है ना वो भी बिल्कुल सच है। मैं उसके लिए करोड़पति लड़का ढूंढ रहा हूँ और वो एक सड़क छाप मवाली के साथ नाच रही है, गा रही है। चिरकुट, पूजा कहाँ है? कौन पूजा? मेरी बेटी। आप कौन है? तेरा बाप। डैडी डैडी डैडी, आ गई तुम भाई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ठीक ही तो सुन रहे हैं डैडी। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, तो आपको तो खुश होना चाहिए। अरे मैं जरूर खुश होता अगर वो तुम्हारे लायक होता, लेकिन चौल में रहने वालों को मेरा दामाद बना रही हो, मतलब। चौल में? क्यों, चौल में इंसान नहीं रहते क्या? होते हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें वहां रहने के लिए बनाया होता है और तुम उसको यहाँ लेकर आ रही हो। तुम इन आदमियों को नहीं जानती, अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लड़का सिर्फ तुमसे इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि इसे तुम्हारी दौलत, तुम्हारा बंगला नजर आ रहा है। कैसी बात करते हैं डैडी, उसे तो मालूम भी नहीं मैं किसकी बेटी हूँ, कहाँ रहती हूँ। अच्छा, बड़ा मासूम है, बिना जाने इश्क कर बैठा। क्यों, क्या मैं इस लायक भी नहीं कि कोई मुझसे इश्क करे? पूजा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो तुम पर 10 रुपए का मिट्टी का तेल डालेगा और 100 करोड़ का मालिक बन जाएगा। ओह माय गॉड, देखा है नहीं, मिले है नहीं, अपनी तरफ से बोले चले जा रहे आप। क्या मैं घर छोड़कर भाग जाऊं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। फिर? अच्छा ठीक है, तुम मुझे उससे मिलवा दो ना एक दिन। ये हुई ना बात, एक दिन नहीं, वो अभी आपसे मिलने आए, नीचे खड़ा है, चलिए। नीचे खड़ा है ऑलरेडी? तुम क्या करते हो, सब कुछ इतना जल्दी करने की क्या जरूरत थी? मगर तुम समझा करो ना। देखो बेटा, अब तुम डैडी आप भी, आपको बहुत पसंद आएगा सर। अरे ठीक है, मगर राजा, सची, डैडी, सची, 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 क्या हो गया? Oh my God, डैडी, सची, डैडी, सची, डैडी, डैडी, अरे तुम क्या कर रहे हो?
अरे इन्हें मिर्गी आई है, जूता सुंगाना इन्हें। अरे मिर्गी मिर्गी नहीं आती डैडी को, बेहोश हो गए डैडी। पानी लाइए ना, पानी लो डैडी, डैडी। 14 किया 212 12 17। मैं क्या मालको? पैसे नहीं है मालको, पैसे नहीं चाहिए, आपसे को मिलने आया। आइए जी, आइए जी, आइए। आपको बताया था ना मालकन का स्टाइल है। अच्छा जी, मैं तेरा विद्रोही। मैं भी तेरा विद्रोही। मेरा नाम है तेरा विद्रोही। जुहू वाले नेता जी, हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। शुक्रिया। बिजली गई है क्या? बिजली तो है जी, लेकिन अगर मैं पंखा ना चलाऊं तो आपको कोई एतराज नहीं? नहीं। इसके पास कोई काम नहीं था, इसको पंखा चलाने के लिए रख दिया। अच्छा। वैसे बिजली की बचत भी हो जाती है भाई, इनको ही पंखा दो, बीच बीच में आओ। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी मैं आयशा का बाप हूँ। आप निशा के भी बाप होते तो मैं आपका क्या कर लेता। नहीं आप समझे नहीं, मेरी बेटी आयशा आपके बेटे विकास, विकास हाँ विकास के साथ प्यार करती है। क्यों? वो प्यार करती है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, बस यही मैं कहने आया था। आप मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं? आपने सुबह क्या कहा था? मुंशी जी जरा फाइल नंबर 3 लेकर आना। फाइल नंबर 3? उस फाइल में मेरी बीवी जब से प्रेग्नेंट यानी गर्भवती हुई थी उस दिन से लेकर कल शाम तक का सारा हिसाब लिखा हुआ है। आप वो सब खर्चा मुझे दे दीजिए और मेरे बेटे को ले जाइए। आप ही टोटल बता दीजिए ना। जरा पंखा तेज करो। हाँ टोटल है जी 10,22,555 रुपया नया पैसा। निकल गया, थोड़ा पानी लगाओ भाई। मैं कहाँ हूँ? आइए लीजिए, आ गई फाइल नंबर 3। क्या भावताव हो रहा है, कहीं मेरे बेटे को भेज तो नहीं रहे हो? अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ की है बिकाऊ, वो खोटा सिक्का। आपकी तारीफ? ये मेरी धर्म पत्नी है शांति और ये मेरा बेटा विकास। भाभी जी नमस्ते। अच्छा जीते रहो बेटे, जीते रहो। मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। सच? जी हाँ। पर मेरे बेटे को पसंद तो है ना? जी माँ। अरे मुरारी जाना, मिठाई लेकर आ। अरे पागल हो गई हो क्या, इनको डायबिटीज है। मुझे है, है। और अगर नहीं है तो हो सकता है ना कि मीठा खाने से हो जाता है, और फिर आप मेरे होने वाले समझी है, मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप बीमार हो जाओ। रुक जाओ भाई रुक जाओ, चलो जी काम की बात करते हैं। ये फाइल की बात आप? क्यों बाबू, आपने इनसे कोई दहेज वहेज की बात की? 10 लाख मैंने कोई दहेज की बात नहीं की थी कुत्ता ज़मीना। आप मेरे बापू को नहीं जानते, इनका दिल समुद्र की तरह विशाल है। इन्हें आपकी बेटी सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में चलेगी। क्यों बापू? हाँ बिल्कुल एक जोड़ी में चलेगी, मगर जो मैंने आपको फाइल दी है इस पर जरूर गौर कीजिएगा, इसका पास होना बहुत जरूरी है। बेटा मैं तो सोचता था कि तुझमें सारे तेरी माँ के गुण हैं, मगर तुझमें तो कुछ मेरे भी गुण हैं। आ तेरी ताजपोशी करूंगा, आ जा मेरे लाल, करते अपना नाम रोशन। नमस्ते। तूने कुछ कहा? तूने कुछ कहा? नहीं तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। तू मेरे लिए बाहर से पान लेकर आ। अरे मगर अच्छा ठीक है, मैं बाहर से पान लेकर आता हूँ, तू ऊपर बैठ के चाय पीना। ऊपर ही जा रहा हूँ। ओके बाय। अरे हवलदार पकड़ लिया। मेरे को क्या को पकड़ रहा हूँ, उसको पकड़ना, वो गुंडा है। सबसे बड़ा गुंडा तो तू है, और तेरे को ही पकड़ के तो मेरी प्रमोशन होने वाली है। ये ले। मार मार मार। क्यों? ओह माय गॉड, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को कैसे मार दिया, अब तो पुलिस केस बन जाएगा। इस तरफ क्या होगा? नहीं नहीं इस तरफ क्या होगा। अच्छा तू ढूंढ, मैं घर जाता हूँ। नहीं नहीं तू ढूंढ, मैं घर जाता हूँ। अरे मुनीम जी ये हफ्ता मेरा कैसा निकलने वाला है, जरा पढ़कर सुनाइए। आपके राहु की अमंगल दशा अब शुरू होने ही वाली है। मुनीम जी। जी जी मालिक। इस बही खाते में क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। जियो अनाज गोदाम। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, जो लिखा उसे ठीक ठीक पढ़ते क्यों नहीं, पढ़िए जल्दी। जियो अनाज के गोदाम में आग लगने से
2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अरे लगता है तेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है। यहाँ तो लिखा है कि बिक्री से 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है और तू नुकसान करवा रहा है, नमक हराम कहीं का। मामा जी, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुनीम जी, साफ साफ बताइए, क्या गोदाम में आग लगी थी? जी वो मैं तो, मुझे तो, तुम ऐसे नहीं बताओगे। पांडू, मेरा चाबुक कहाँ है? आज के इस मामले में चाबुक का कोई काम नहीं। ये देखो बंदूक, इसमें असली गोलियां भरी हुई है। गोली अंदर, सच बाहर, मार दो। अब बोलिए मुनीम जी, सच क्या है? आपने झूठा बही खाता लिख लिख कर कितने रुपए का गबन किया है? मालिक, मैंने कोई गबन नहीं किया, ये सब तोता राम जी ने किया है। मामा जी, मामा जी, भागने की कोशिश मत करना मामा जी, वरना पागल कुत्ते की तरह गोली मार दूंगा। मैं तेरा इकलौता मामा हूँ, मुझे मत मार, मुझे मत मार। नाटक बंद करो मामा जी, और ये बताओ कि चुरावे रुपए तुमने कहाँ रखे हैं? ये सब क्या हो रहा है? अरे बहना, मुझे बचा लो बहना, तेरी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। माँ, तुम्हारा भाई समझकर सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी में रहने दी, और इन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया और लाखों रुपए का घोटाला किया। मैं सुबह का भूला शाम को वापस घर आ गया हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भैया, जाने दे बेटा, जो हो गया सो हो गया, इसे माफ कर दे। माफ कर दे, ठीक है माँ, तुम कहती तो मैं माफ कर देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इन्होंने अगर सिर्फ आपको धोखा दिया होता तो बात अलग थी, लेकिन आपकी देवी जैसी माँ को धोखा दिया है, इन्हें कैसे माफ किया जा सकता है? बिल्कुल सही माँ, तुम बिल्कुल भोली हो, इसलिए सभी तुम्हें धोखा देते हैं। इस जैसे आदमी को तो माफ करना ही नहीं चाहिए। सच सच बताइए मामा जी, चुरावे रुपए तुमने कहाँ रखे? नहीं तो मैं गोली मत चलाना। साफ 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 साफ। अरे मेरे कमरे में सांप आ गया, सांप आ गया। गट्टा, गट्टा नहीं दूंगा। मैं गट्टा नहीं दूंगा, अंदर सांप घुसा हुआ है। ये क्या शोर मचा हुआ है? इस बिस्तर में सांप घुसा है बेटा। अरे तो बड़बड़ा रहा है, पागल है, रस्सी को भी सांप समझता है। अगर इस बिस्तर से सांप नहीं निकला ना, तो बेशक आज ही मुझे पागल खाने भेज देना। अरे इस पागल को बड़बड़ाने दे, तू मेरी बात सुन। पांडू, तू बिस्तर बाहर ले आ। अरे राजू बेटा, मैं मानता हूँ मेरे बिस्तर में सांप है, लेकिन वो मेरा पालतू सांप है, मेरा प्यारा प्यारा पालतू सांप, जिसे मैंने 15 साल से बिस्तर में पाल के रखा है मेरे बच्चे की तरह। बिस्तर से उठिए, उठिए। क्या मेरी बात का भरोसा नहीं? तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे नाग देवता का अपमान किया है। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ अपने नाग देवता को साथ लेकर, इस दुनिया से दूर, बहुत दूर। चल बैनावती, जा नहीं चला, वहाँ नहीं रहना। ठहरो मामा जी, ठहरो। पांडो, इधर आओ और ये बिस्तर ले लो। अरे मैं बिस्तर नहीं लूंगा, जो कर लो, नहीं खोले दूंगा, नहीं खोले दूंगा, जो मर्जी खोल दे इसे, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। अरे मेरा साहब, अरे मेरा साहब, बंदूक दिखा के डराता है। आप इतनी नीच हरकत कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपको तो जिंदा भट्टी में भी झोंका जाए तो भी बुरा नहीं होगा। और सुन मामे, आज से तुम मालिक नहीं बल्कि नौकर हो, और जो हमारे खेतों में 30-40 आदमी काम करते हैं, उनमें से एक हो, यही तुम्हारी सजा है। मैं खेतों में काम नहीं करूंगा। चुप। मैं खेतों में काम करूंगा, मगर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। क्या? ये जो मेरी बीवी है ना, ये भी उस चोरी में बराबर की हिस्सेदार थी, मैं चाहता हूँ ये भी खेतों में काम करे। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। पूजा मेरी इकलौती बेटी है। हमारा भी इकलौता बेटा है, हम भी अपने चांद से बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाना चाहते हैं। अजी साहब, जब मेरी बेटी सामने आएगी तो चांद भी शर्मा जाएगा। बेटा मैं तुम्हारी नहीं उस चांद की बात कर रहा हूँ। जी बहुत ही घरेलू और शर्मीली है मेरी बेटी। हाँ। जिस घर में जाएगी उजाला ही उजाला कर देगी। भाई साहब, आपकी बेटी हमारे ही घर आएगी। राइट, ये पूजा बेटी इनके घर क्यों जाएगी? चिरकुट, शादी के बाद पूजा इनके घर नहीं जाएगी तो क्या तेरे घर जाएगी? शादी? पूजा बेटी की शादी की बात करने आए हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, शादी भाई साहब। अजी, पूजा बेटी भी आ गई। अजी सुनिए, लड़की तो घरेलू लगती है। अरे आओ आओ, पूजा बेटी है, मिस्टर एंड मिसेस सहगल है, ये इनका बेटा विजय। बेटा अपने हाथ से चाय बना कर दो, बिल्कुल अपने हाथ से। शुगर पूछ लेना कितनी चाहिए। सॉरी मिस्टर सहगल, दरअसल बेटी नर्वस हो गई थी। ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हें अपना असली रूप दिखा रही हूँ बच्चों।
15 फैक्ट्रीज और 12 बंगले। लेकिन सर जी ये बंगला किसका है? ये तेरे बाप का बंगला है। काफी देर हो गई, लगता है लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा दीजिए। नहीं 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 डैडी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो बेटा, हमारी बेटी में ऐसी क्या खराबी है? खराबी खराबी है, वो सिगरेट पीती है, वो दारू पीती है, वो ड्रग्स भी लेती है। नहीं मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता। हमें नहीं करना यहाँ रिश्ता, चलो जी चलो। अरे कैसी बातें कर रहे हो सैगल साहब, सुने ना मेरी बात सैगल साहब। ये डर रहा है या डरा रहा है? तुझे क्या डरा हुआ, तू सब पहले तो ही डरा हुआ है। खड़ा, पहले ये बताओ कि तेरा बॉस राजा कहाँ है? तुझे दूसरा जन्म भी लेना पड़ा ना, फिर भी इसे उगलवा नहीं पाएगा। हाँ तय बोला है, बिल्कुल तू तो दादा तमल लगो तेला ये तमता है तमता। चमचा गुड। फिल्मों में मैंने देखा है कि फ्रैक्चर के टॉर्चर के वक्त ये लाइट ऑन होती है, और जैसे ही लाइट ऑन होती है मुजरिम सब कुछ कबूल कर लेता है। लाइट्स लाइट नहीं, मेरे पास कुछ कबूल करने के लिए नहीं, नहीं नहीं। ठीक है बता राजा कहाँ है? ये तो डर ही नहीं रहा है। लाइट हिलाओ। तू हिला। मैं हिलाऊंगा तो इसे मारेगा कौन? ये तुझे मारेगा, तू लाइट हिला। उससे तो बाद में निपट लूंगा। ये क्या था? स्पेशल इफेक्ट। तो बताया क्यों नहीं? अरे बताता तो लगता कैसे? बेवकूफ था क्या? बेवकूफ था, बेवकूफ था। बेबी बार बार फोन क्यों करती हो? पाउडर लिपस्टिक काजल क्रीम सब ले आऊंगा। ये पुलिस स्टेशन है या कॉस्मेटिक की दुकान? ए, कौन है तू? कमिश्नर से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? सर, आप सर, I'm sorry सर, मैंने पहचाना नहीं सर। No problem my boy, no problem। तुमने राजा के असिस्टेंट को पकड़ के बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू सर। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम पर नाज है। थैंक यू सर। हम भी तुमसे बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। अब फौरन रंगीला को छोड़ दो। रंगीला को छोड़ दो? क्यों सर? तुम जैसा काबिल इंस्पेक्टर ऐसा सवाल करे कुछ अजीब सा लगता है। तुम रंगीला को छोड़ोगे वो सीधे अपने गुरु के पास जाएगा, तुम उसका पीछा करोगे और इसी तरह तुम राजा को भी गिरफ्तार कर लोगे, और फिर तुम डीएसपी से फौरन एसपी बना दी जाओगे। वाह सर वाह, क्या आइडिया है। मतलब अभी तो मैं डीएसपी बना दिया गया हूँ ना, क्या अब मैं किसी कांस्टेबल को सस्पेंड कर सकता हूँ सर? हाँ बापू, अब तेरे में पावर ही पावर है। अब चल रंगीला को छोड़। यस सर, मैं रंगीला को फौरन छोड़ दूंगा। थैंक यू सर। गुरु क्या है? रंगीला को तोड़ दो। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और राजा को पकड़ लूंगा। तोत लो। तोत लिया। ठीक है। ओके, कहता है तोत लो। ये क्या बेवकूफी की? चल आप, कमिश्नर साहब का फोन था, मेरी तरक्की हो गई, उसे छोड़ने को कहा है। कमिश्नर साहब? अरे वो तो कॉन्फ्रेंस में दिल्ली बैठे हुए। तो फोन किसका था? वो फोन राजा का था, बाहर से कर रहा था। उसे पकड़ लो। मैं नहीं पकड़ता, तू पकड़। उसे पकड़ लो। तू पकड़। वो बहुत दूर चला जाएगा, पकड़ लो। पूजा बेटी तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? डैडी तुम राजा को भूल क्यों नहीं जाती? डैडी आप कैसी बातें करते हैं? सच कह रहा हूँ, मुझे राजा से नफरत नहीं, नफरत है उसकी शक्ल से, क्योंकि उसकी शक्ल रॉकी से मिलती है, और तू तो जानती है मुझे रॉकी से कितनी नफरत है। ना चाहते हुए मुझे महीने में एक बार उसकी शक्ल देखनी पड़ती है। अब अगर तू उसे शादी करेगी तो मुझे रोज उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। राजा को भूल जा। डैडी आप जानते हैं कि राजा आपका भला चाहता है, हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार है, और फिर भी आप इस तरह की बातें करते हैं। आप नहीं मेरी बात। किससे मिल रहा है आपको? तेरे बाप से। सर जी तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? नहीं मुझे बता, तू आज किस जन्म का बदला ले रहा है? मेरे घर में मुझसे पूछता है कि मुझे किससे मिलना है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सर जी कि मैं भूल गया था कि आपसे कोई मिलने आया। कौन मिलने आया? वो मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। हेलो विद्या सेठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में चले आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश रचने की, मुझे मार देने की? मगर ये झूठ है विद्या सेठ, रॉकी कभी भी अपने शिकार से बेखबर नहीं रहता। वो सांस भी लेते हैं तो मुझे सुनाई देता है, और वैसे भी तुम्हारे घर आकर बहुत बड़ी दौलत मेरे हाथ लग गई। अरे सारी दौलत तो तुम हड़प चुके हो, अब मेरे पास बचा ही क्या है? तुम्हारी बेटी। ये दौलत मेरे हाथ लग जाए
मेरी तो लाइफ बन जाएगी। देखा, यही तो धोखा खा गए। ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो पड़ोस के शर्मा जी की बेटी है। बेटी, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? उनको मेरा नमस्ते कहना। अब तुम अपने घर जाओ, मैं शाम को तुमसे मिलने आता हूँ। जाओ बेटा, अभी अपने घर जाओ। मुझे इतना बेवकूफ मत समझो विद्या सेठ, मैं तुम दोनों के रिश्ते को अच्छी तरह जानता। राजा, गाड़ी एकदम टकाटक हो गई है। वाइज कलर, वाइज नंबर प्लेट, बिल्कुल फर्क नहीं। शाबाश। ओह माय गॉड, तुम राजा हो? डैडी ये राजा है और ये सब उसके फ्रेंड्स हैं। क्या करते हो भाई, देखो तो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। अगर अभी हार्ट अटैक हो जाता तो। लेकिन राजा, तुम तो पूरे के पूरे रॉकी लग रहे हो। ये सब अपुन का कमाल है। वो क्या है ना, रॉकी जहाँ से अपने कपड़े सिलवाता है ना, वहाँ का कारीगर अपना बहुत खास पहचान वाला है। उसको अपुन बोल डाला, देख जैसा कपड़ा रॉकी का सिएगा ना, वैसा सेम टू सेम अपुन को राजा के ले चाहिए क्या। और तुम वेटर के ड्रेस में क्यों आए हो? वो अपुन रॉकी का होटल ज्वाइन किया ना इसलिए। जब तुम लोग मुझे नहीं पहचान सके तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि रॉकी क्या, रॉकी का बाप तक मुझे नहीं पहचान सकता। कमिश्नर साहब, यहाँ क्यों आए हैं? मुझे अरेस्ट करने, मैंने राजा को जो पकड़ा है, मुझे प्रमोशन देने, मैंने राजा को अरेस्ट जो किया है। टेंशन है। मिस्टर प्रेम को किसने अरेस्ट किया? सर ये प्रेम नहीं है, राजा है, धारावी का सबसे मशहूर गुंडा राजा सर। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे कैद किया सर, अब आप मुझे फौरन प्रमोशन देकर एसपी बना दीजिए सर। मैं तुम्हें डिमोशन देने के लिए ही आया हूँ। आपकी अंग्रेजी में गड़बड़ हो गई सर, डिमोशन नहीं होता सर, प्रमोशन होता है। शट अप, हवलदार छोड़ देने। अरे रुकिए सर, ये प्रेम नहीं राजा है, राजा। सर ये राजा नहीं है, ये मशहूर सिंगर प्रेम मल्होत्रा है। इतने मशहूर आदमी को इसने जेल में डालने की जरूरत की। सोचा सर ये झूठ बोल रहा है। अच्छा तो ये झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स सर, इसीलिए मैं इसे प्रमोशन और तुम्हें डिमोशन देने आया हूं। नहीं सर, क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू सर, मैं अभी खोल कर लाता हूं प्रेम कुमार जी को। सर आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर, ऐसा मत करना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? यस कम इन। हवलदार विद्यार्थी रिपोर्टिंग सर। इससे पहले कहाँ थे? शैतान चौकी में सर। और तुम्हारा रिकॉर्ड इतना बुरा था कि तुम्हें इंस्पेक्टर से हवलदार बना दिया गया, क्यों? रिकॉर्ड मेरा हमेशा अच्छा रहा है सर, लेकिन ये सब उस कमीने हवलदार की साजिश है सर, जिसने मेरे उजले करियर को दाग दाग बना दिया। लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं सर, वर्दी मेरे जिस्म पर इंस्पेक्टर की ना सही, हवलदार की सही। लेकिन उस कमीने का तो मैं वो हाल करूंगा कि वो हवलदार बनने के लायक भी नहीं। तू तभी से बात करो। लेकिन आप तो हमेशा मुझे तू कहकर बुलाते थे। वो तो इसलिए क्योंकि तू आप कहलाने के लायक नहीं था, बहुत रोब जमाया मुझ पे, क्यों? अब हर बेइज्जती का मैं गिन गिन के बदला लूंगा, समझा? आज से तू सरकारी नहीं, मेरा पर्सनल नौकर बनकर रहेगा। रोज सुबह मेरे घर दूध लाएगा, फिर बच्चों को स्कूल ले जाएगा, दोपहर को मेरे लिए लंच लाएगा, शाम को मेम साहब को खाना बनाने में भी मदद करेगा और घर के सारे कपड़े भी धोएगा, बच्चों को स्कूल से घर पहुंचाएगा। अब हमारा जेल का मुआयना करने का वक्त आ रहा है, जाओ हमारे लिए लंच ले आओ। ओके ओके जाओ जाओ चलो।